आप लेट जाओ, यहाँ लेट जाओ सड़क के ऊपर, लेट जाओ सड़क के ऊपर। तो बता दिया बिल्कुल नहीं है, बीजेपी के विरोध में नेशनल पैंथर पार्टीज की जो वीमेन वर्कर्स हैं अभी यहाँ गवर्नर हाउस के बिल्कुल बाहर सड़क पर बैठ गई हैं और लगातार बीजेपी के खिलाफ जो है नारेबाजी कर रही हैं। और उनकी ये नारेबाजी जो है उनका आरोप है कि बीजेपी के कुछ जो वर्कर्स हैं उन्होंने जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ जो जिस अपशब्द का प्रयोग किया उसी के विरोध में आज यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन इनकी तरफ से किया जा रहा है और डिमांड की जा रही है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और पुलिस केस उन पर खिलाफ दर्ज किया जाए। मैं आपको जैसे बताऊं कि नमस्कार, अर्ली टाइम में आपका स्वागत है। नेशनल पैंथर पार्टी की जो महिला कार्यकर्ता हैं आज राजभवन के बाहर एक विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और ये विरोध प्रदर्शन जो है बीजेपी के खिलाफ है और उनका कथित तौर पर ये आरोप है कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए ये अभद्र शब्दों का प्रयोग किया। मैं आपको बता दूँ कि एक ऑडियो जो है एक वायरल होती है जिसमें देखा सुना गया है कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं कुछ संजय गंडोत्रा करके, उन्होंने जो है महिलाओं के लिए बड़े ही अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, गालियों का प्रयोग किया और उसी के विरोध में जो है आज यहां पर इन कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन है और ये राजभवन में इनको एलजी साहब को मिलना चाहते हैं और अपना एक मेमोरेंडम देना चाहते हैं और इनकी डिमांड है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उन्हें उनके खिलाफ FIR दर्ज हो और गिरफ्तारी हो। हालांकि आपको बताएं कि काफ़ी देर से जो है ये मसला चल रहा है, इसके लिए उन्होंने पहले भी कई बार जो है विरोध प्रदर्शन किए लेकिन आज जो है राजभवन के बाहर जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन इनकी तरफ से किया जा रहा है और इनका कहना है कि बीजेपी के जो सीनियर कुछ लीडर्स का नाम इसमें आया है कि उनकी शह से ही जो है कुछ उनके कार्यकर्ता हैं जो एक तरह से लैंड ग्रैबिंग का काम करते हैं और उन्होंने किसी फ़ोन कॉल में अभद्र शब्दों का प्रयोग किया और इनकी जो माता हैं उनकी पत्नी के लिए और बहन के लिए हर्षदेव जी जो इनके चेयरमैन हैं उनकी फैमिली की जो महिलाएं हैं उनके लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, जिसके विरोध को लेकर आज यहाँ पर इनका विरोध प्रदर्शन जो है जारी है और लगातार उनकी डिमांड है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज हो और उनको जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो। जिस तरह से आपने देखा होगा एक ऑडियो सामने आई है उसमें किस तरह से हमें गालियाँ दी गई, हमारी माता जी को ही गाली नहीं दी गई, हमारी बहनों को गाली दी गई, पूरे महिला समाज को गाली है और महिला की कोख को ये गाली है। तो हमारा यही प्रोटेस्ट था आज के दिन, हम गवर्नर साहब जी से भी पूछना चाहते हैं और IG साहब से भी पूछना चाहते हैं कि क्या आपने गाली को वैध कर दिया, जो हमें बोलने का अधिकार भी नहीं दिया जा रहा है। अभी पुलिस प्रशासन का भी इनको पूरी शह है क्योंकि वो लोग अमीर हैं, अमीर होने के वजह से क्या आप उनको शह दे रहे हो या वो किसी पार्टी से उनका ताल्लुक है इसलिए उनके खिलाफ कोई FIR नहीं हो रही है। और जो ये गाली जिस चीज़ ने भी सुनी है मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी पार्टी का हो, वो इस गाली से आहत है और अपनी प्रक्रिया वो सारे देना चाहते हैं और इसीलिए आज मेरी सारी महिलाएं मेरे साथ इकट्ठी हुई हैं और हमने ये प्रोटेस्ट रखा। हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि आप उनको कब गिरफ्तार, चार बार हम पहले भी दे चुके हैं, पाँचवीं बार आज हम दोबारा IG साहब को देंगे और गवर्नर साहब को देंगे। और आज हमें यहाँ कोरोना के नाम पे हमें कहा जा रहा है कि आप कोरोना के नाम पे इकट्ठे हुए, कोरोना कहाँ नहीं है, हर जगह कोरोना है, सड़कों में कोरोना है, बाजार में जाइए आप कितनी भीड़ है। और अगर हमें इतना मारा जा रहा है, इतना हमें प्रताड़ित किया जा रहा है तो हमें जी के करना ही क्या है, हम यही मर जाते हैं गवर्नर साहब के आगे जाके हम अपनी जान निकाल देते हैं और क्या चाहते हो आप, यही मर जाए, हम ये चाहते यही है कि हम लोग मर जाए ताकि कोई बोलने वाला सामने ना आए।